इस मंदिर को लोकनाथ मंदिर कहते हैं। लोकनाथ मंदिर जगन्नाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी में है, और ये जो शिवलिंग है इसकी स्थापना स्वयं राम जी ने की थी। और ये जो शिवलिंग है ये आपको दिखेगी नहीं, केवल जब शिवरात्रि का समय आता है साल में एक ही बार, उससे 2 दिन पहले यानी 3 दिन पहले ही ये शिवलिंग नीचे से बाहर आते हैं ऊपर की तरफ, और पूरा पानी, जब कुछ भी पानी दिखता है सिर्फ आपको शिवलिंग दिखेंगे, और एक ही दिन के बाद दूसरे दिन ये जो शिवलिंग है फिर से नीचे चले जाते हैं और पानी भरा जाता है। ये पानी कहाँ से आता है किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन पूरा समय पूरे वर्ष ये पानी के नीचे ही शिवलिंग अपने आप पानी के नीचे चले जाते हैं। इस शिवलिंग के महत्व भी ये है, ऐसा है कि आप जब ये शिवलिंग के देखते हैं जिसके बड़े बड़े रोग होते हैं, ये यहाँ पर भगवान शिव जी से प्रार्थना करने आते हैं कि इसके रोग नष्ट कर दें। तो बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं अपनी कामनाएं पूरी करने के लिए इसी जगह पे। और इस लोकनाथ मंदिर के जो चलंत्र विग्रह है ये जगन्नाथ मंदिर के अंदर है, जगन्नाथ मंदिर से बड़ा संबंध है, इसलिए इनके जो चलंत्र विग्रह है लोकनाथ जी के, वो जगन्नाथ जी के साथ शिवरात्रि महोत्सव करते हैं, चंदन यात्रा में भी, और शीतल षष्ठी ये महोत्सव में जगन्नाथ जी के साथ लोकनाथ जी का जो चलंत्र विग्रह है वो साथ में रहते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा गोवर्धन पीठ का निर्माण किया गया था। आदि शंकराचार्य जी ने 4 दिशाओं में 4 पीठ का निर्माण किए थे। गोवर्धन पीठ ईस्ट साइड में, जो पूरी उड़ीसा है आज जहाँ हम देख सकते हैं, जिसके शंकराचार्य जी जो है वे हैं स्वामी सरस्वती जी। वेस्ट साइड में द्वारका पीठ गया है जो गुजरात में आते हैं। ज्योतिर्पीठ जो है नॉर्थ की तरफ उत्तराखंड में, और सिंगरी पीठ जो है वो साउथ में सिंगरी कर्नाटक में आते हैं। यह है इस्कॉन मंदिर। हरदास ठाकुर के समाधि के पास ही इस्कॉन मंदिर है। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी का भजन कुटीर है जहाँ पर आज इस्कॉन मंदिर का निर्माण किया गया है।